हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम छोडे डॉट कॉम आई होप यू आर अवेयर दैट बैंक ऑफ बरोडा स्केल थ्री एम एस एम ई एडमिट कार्ड्स आर आउट एग्जाम के एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं ट्वेंटी एट्थ ऑफ जैन को एग्जाम है राइट एंड प्लीज नोट आप अपना आई डी एक फोटो आई डी प्लस फोटो प्लस एडमिट कार्ड राइट तीनों चीज लेकर जाइए आई uh, डी का भी कॉपी लेकर जाइए प्लीज़ टेक टेक योर फोटो कापी ऑफ द आई डी एंड द एडमिट कार्ड भी आप साथ में लेकर जाइए और एक फोटो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है सो लेट स्टार्ट द सेशन लेट मी टेल यू वॉट यू शुड स्टडी इन द लास्ट टेन डेज सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर्स माई नेम इज रमनदीप सिंह एंड आई बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व इयर्स नाउ दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर इफ देर एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क योर डाउट्स ओके And Bank of Baroda Scale 3 uh, course, it's available on bank exams today. It's a crash course, whatever I'm talking today, bata everything is available in this course, right? So, what to study in the last 10 days in the professional knowledge section specifically? RBI circulars, if you have done RBI circulars for last 3 years, it's great. You, uh, you must do it. The most important part of your preparation should be focused on RBI circulars. For RBA circulars for the month of uh, RBA circular for the month of January, I'll be covering those circulars on Monday. Monday komo Sare cover karunga. Don't worry. Okay. Uh, it doesn't take much time to cover all the RBA circulars for a year. You can easily cover that within like 3-4 hours easily. Uh, take at least 5 mock tests. What is the point of taking mock tests? So uh, you can revise other sections as well. बाकी के सेक्शंस को भी देख सकते हो इवन प्रोफेशनल नॉलेज के कुछ ही क्वेश्चन रिपीट भी होंगे एग्जाम में सो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टेक एट लीस्ट फाइव मॉक टेस्ट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीड एट लीस्ट सिक्स मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस इफ़ यू हैव टाइम यू मस्ट रीड फाइव फाइव टू सिक्स मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस विद इन लाइक टू और थ्री आवर्स यू कैन ईजली रीड आउट द 6 7 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस राइट फॉलोड बाय द नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इट मे टेक टू थ्री आवर्स बट देर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम्स इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन और सरफाइसी एक्ट में से एग्जाम में आता है आप वन डे इसको दे सकते हो वन डे जस्ट गिव अट टू दिस थिंग वन डे टू दिस थिंग लाइक थ्री टू फोर डेज टू लाइक मॉकटेस राइट वन डे टू दिस थिंग टू फाइनेंशियल अवेयरनेस राइट Followed by government scheme, you can easily do that within like two, three days. If you are a working professional, you can easily do that within a day. Priority sector lending, you must do it. Give it one day, okay? Uh, and one more thing that I would recommend if you have time, go through ratio analysis. What I have seen students. अपनी पिछली वीडियोस में आई टोल्ड यू डू कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वो सारा पढ़ लीजिए लेकिन अभी दस दिन बचे हैं तो रेशियो एनालिसिस को एक दो दिन लग जाते हैं राइट दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड एक सी ए पी एम का टॉपिक है दैट वुड हार्डली टेक लाइक टू थ्री आवर नॉट इवन टू थ्री आवर लाइक वन आवर जस्ट डू दिस सी ए पी एम में आपका ब्रेक इवन पॉइंट का टॉपिक आएगा दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट इट इज़ रिपीटेड मेनी टाइम्स

So go through that with explanation Go through that and you're going to find a lot of questions from that. So uh, that's all. Uh, list of our successful students who took our courses in the past and they cracked their respective exams. I'm really, really happy for them. All these students that took our courses and they cracked their respective exams, and I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, you can ask your doubts and I'm going to answer your doubts. And I hope you liked today's session. And one thing that you need to avoid.

देर विल बी नो आर बी आई गाइडलाइंस आर बी आई के लेटेस्ट सर्कुलर उसमें नहीं होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेसिल और प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग होंगे वो भी आउटडेटेड होंगे सो मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग द लेटेस्ट टॉपिक्स जो रिसेंट uh, टॉपिक्स आप सारे कवर करो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू वॉन्ट फाइंड दैट इन अ पब्लिश्ड बुक जो बुक प्रिंट हो रही है वो लिखी एक साल पहले गई है छ पी छः आठ छः सात महीने पहले आपको अभी मिल रही है सो दैट इज नॉट रेलिवेंट इट एट एनी कॉस्ट यू वोंट फाइंड एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट आई आई बी एफ के बुक अच्छी है क्रेडिट मैनेजमेंट की लेकिन उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं क्योंकि वो भी एक प्रिंटेड बुक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डे स्टूडेंट्स अगर कोई आपके माइंड में डाउट है देर इज एनी डाउट इन योर माइंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर हैर यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड आई एम गोइंग टू आंसर योर डाउट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे दूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे बाय